इस हार के बाद हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि क्या टीम इंडिया डब्ल्यूटी से फाइनल खेल पाएगा, क्योंकि बिना खेले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टॉप पर पहुंच गया है पॉइंट्स टेबल पर, और टीम इंडिया तीन हार के बाद डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल पर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी कि फॉर्म डिप हुई है यहां पर टीम इंडिया की, और 58.33 पॉइंट्स जो है वो टीम इंडिया के हो गए। और अगर ये मैच जीतता तो टॉप पर टीम इंडिया रहता, और जो बीजीटी खेलना है टीम इंडिया को चारों के चारों मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। चार मैचेस अगर आप अपने दम पर आपको जीतने पड़ेंगे, किसी भी टीम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। चार मैचेस आपको किसी भी हाल पर जीतने पड़ेंगे फाइनल खेलने के लिए। अगर आप चार मैचेस नहीं जीत पाते हैं तो आपको बाकी के जितने भी मैच आप बचे होंगे, यानी कि अगर तीन मैच आप जीतते हैं तो आपको टीमों पर डिपेंड करना पड़ेगा कि ये टीम हार जाए तो आप फाइनल खेल पाए। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि आपका ये बुरा दौर है तो अच्छा भी आता है। हर बार हमने देखा कि एक अगर क्रिकेटर की फॉर्म डिप हुई है तो अगले मैच में कुछ अच्छा होता है। हालांकि टीम इंडिया के इस हार का जिम्मेदार कौन है, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल पाएगा, कमेंट करके बताइए फटाफट से।